और तेरी रही मुरलिया बाजे। और आज सभा में और आए के प्रभु रखो हमारी हेलो अजर अमर असरण शरण अजर अमर अशरण शरण और वो अविनाशी अवतार है और आद गुरु सब परम पदे मैं बंद हूं बारंबार है। श्रोता जितने आए यहां पे जितने और आए यहां पे सबको यहां अधिकार है के श्रोता जितने आए यहां पे और सबको यहां अधिकार है क्योंकि तुम सब करोगे फैसला कि किसकी जीत किसकी हार है। परमादरणीय जनता जनार्दन, एक पॉइंट इस माइक की और कम हो जाए तो फिर काम 35 है। परमादरणीय जनता जनार्दन, दूर दराज से आए हुए रसिया प्रेमी और जनता में बैठे हमारे पिता समान बुजुर्ग लोग, हमारे कुछ नौजवान भाई, माता बहनाएं, सामने वाला खड़ा, अपने नंबर की शुरुआत करने से पहले आप सभी के चरणों में अपना सर रख करके सभी को बारंबार नमस्कार, सभी को बारंबार नमस्कार। दोस्तों, ये रस्सियों का मुकाबला आप लोगों के बीच में आरंभ हो चुका है। मौजूदा दो अखाड़े हैं, सामने जो विराजमान अखाड़ा है बहुत बड़ा अखाड़ा है खिच्चू आटे वाले, इधर में हमारा एक बहुत ही छोटा मोटा अखाड़ा आप लोगों के चरणों की धूल नाथ गोपाल अखाड़ा मुड़सान। अभी आपने उनका नंबर सुना, भैया सीटी आ रही है हल्की सी, आवाज कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सीटी नहीं आनी चाहिए बस। अभी आपने नंबर सुना आटे वालों का, जिसमें एक छंद गाया भैया ने, छंद में गंगा जी की कहानी गाई थी, उसमें कोई संवाद नहीं था। राजेंद्र भैया, शायद आपसे हम बड़े ही हैं रसियाबाजी में, तो उम्र का तो पता नहीं है, रसियाबाजी में तो हैं। हमेशा एक बात याद रखना, छंद कभी भी गाओ ऐसा गाना जिसमें दो संवाद हो, एक पक्ष आप लेना दूसरा पक्ष सामने वाले को दे देना। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे राम बनना, चाहे कन्हैया बन जाना, चाहे रावण बन जाना, कुछ भी बनना वो आपकी मर्जी है, लेकिन पक्ष और विपक्ष का छंद गाना, ऐसे कहानी का छंद नहीं गाते हैं। आपने कहानी गाई, चट्टन में लपट गई गंगा,
वो लपटी रही वो फिर वो निकरी ना आई वहां थे चारों चौक गवे गए छंद गए उस छंद को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा ज्यादा तो नहीं ज्यादा बढ़ा दिया तो हो सकता खो जाए भैया थोड़ा सा छंद आगे बढ़ाऊंगा और एक गीत उधर से गाया था एरे अब के यूपी में खिलेगो कमल को फूल और सरकार बनेगी बाबा की पक्की पता होगा तू बीजेपी को कर रो समर्थन है भाई पक्को प्रचार बीजेपी को कर रो है इसका जवाब होगा तरीके से ऐसे नहीं कि तुम सपा बन के गई हो सा पैसा रसिया गाये के लें तीस बड़ी बात है थोड़ी मानेंगे हम भाई हमारी मर्जी है कि हम क्या करेंगे और हमारी मर्जी है कि हम जवाब तुम्हारा किस तरीके से देंगे वो हम पे डिपेंड करता है तुम ज्ञान थोड़ी दोगे हमें कैसे जवाब दिए हमारी बात को हमें ज्ञान ना दो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम जवाब देंगे कैसे एक गीत लास्ट में गाया था मैडम ने कि भगवान राम के पास पहुंच गए रावण के पास पहुंचे राम भीषण हनुमान और लक्ष्मण तो रावण कह रहा था राम से मैं तो एक ही बाण से मर जाता 31 चलाने की जरूरत क्या थी इसका जवाब होगा राम की तरफ से ही होगा दूसरी लाइन उसमें आई थी कि हे लक्ष्मण जी तुम्हारी बेटी है सुलोचना तुमने मेघनाथ को मार दिया बेटी को विधवा बनाने की जरूरत क्या थी उसके बाद दो चौक और गाते भैया उससे पहले टाइम खत्म हो गया तो दो ही चौक गाए उन दोनों का जवाब दूंगा और वैसे भैया राजेंद्र भैया दंगल तो तुम जीत गए भाई ना दंगल तो तुम तभी जीत गए कि बस्ती में एक कार्यक्रम हो रहा है और तुम्हारी मंच पे गबरो का गबरो पता है जवानी से ज्यादा बुढ़ापे में जोश होता है ऐसी गाओगे दंगल तो तुम जीत गए ऐसा हम पे तो अमत ना जवानी से ज्यादा बुढ़ापे में जोश होता है काम वही करते हैं जिनका सौदा ठोस होता है दुनिया सुधर जाएगी पर जे कबू ना सुधरेंगे पक्के चून वारे हैं आइएगा मेरी तरफ से नंबर की शुरुआत है और देखिएगा बारी बारी से जवाब और तुम्हारी उसका तो मैं नहीं जवाब दूंगा जो बदतमीजी चल रही थी चित्रहार माता मैना भी सुन नहीं है तुम्हें तो शर्म नहीं है और ये भी कह रहे हैं यहाँ कोई भागवत थोड़ी हरी रसिया है रहे तो रसिया रसकेगा ब्लू फिल्म मत दिखा जा आइए अच्छा एक बात और गलत कह दी आपने वो नहीं कहनी चाहिए कभी आगे याद रखना कह रहे थे हमारे जो नाचने वाले हैं एतमादपुर के बबलू बहुत अच्छे कलाकार हैं आज तो हो रही थी पहली पी ली है उनने बहुत अच्छे गाने वाले हैं पर कह रहे थे कि जो अच्छा गाए उसके लिए बजा देना तालियां और जो बुरा गाए उसके साथ क्या करना है कितनी बड़ी बेइज्जती होगी भैया की अपने दरवाजे पर जो भी आता है कोई जनता किसी में जूता नहीं मारती अब कैसा भी गाओ लोग बैठ करके सुनते ही रहेंगे मैं कैसा भी गाऊं लोग सुनते ही रहेंगे फैसला तो जब होगा जब हम तुम यहां से गाकर चले जाएंगे और केवल ये जनता रह जाएगी उसके बाद एक शब्द कानों में रह जाएगा या तो गोपाल या फिर ये बबलू तब होगा जीत हार का फैसला यहां पर नहीं होता कुछ भी हां ना सर जानते अब ये रासो पर गयो और ये प्यारी जानते के देख रासो पर गयो और जाकी जानते और कोई मन में उठे उमा जानते और अब मन में उठे उमंग उधर से आया था छंद शिव शंकर कैलाश पे पी में हलाहल भंग गोरा चरण निहारती और जटन विराजे गंग अब हम क्या कह रहे हैं
अरे मन में उठे उमंग, ये देखे मन में और उठे उमंग, और खोरा मैया पैसे रहे पर भोला को ना बिया संग। धरती पर आ रही है वो गंगा, अरे चट्टा खोल दई और शंकर जी ने, अरे देखे चट्टा खोल दई, अब ये चट्टा खोल दई और वो शंकर जी ने, अरे गंगा बचन हारे वे आई है, अब ये चट्टा खोल दई और शंकर जी ने, और गंगा बचन हार बे आई है। धरती पर गंगा कभी नहीं आती, केवल एक ही कारण था जो गंगा धरती पर आ गई। अगर आप लोगों का दिल कहे कि जवाब सही चल रहा है तो केवल तालियां आप लोग बजाते रहे तो हमें भी लगेगा कि हाँ हमारा गाना पसंद आ रहा है। हाँ बेटा जटा खोल दई शंकर जी ने, अब ये जटा खोल दई और वो शंकर जी ने, और गंगा बचन हार बे आई है। अरे मरे अरे मरे मराए भागी रथ के पुरखन को, और वो गंग तारे बे आई है। मरे मराए भागी रथ के पुरखन को, गंगा तारे बे आई है। और मन के पूरे अरे भागी रथ है बड़े महान, भागी रथ है बड़े महान, रे भागी रथ है बड़े महान, अरे मकर पाटे रही, भागीरथ ने गंगा को जमीन पर उतारा और जैसी धार जमीन पर गिरी उसके आगे क्या हुआ? राजेंद्र भैया बारी बारी सुनते जाना, आगे छंदा आपको बढ़ाना है, जहां मैं छोड़ दूंगा वहां से आगे चल देना आप। के देख सबके पाप और काट रही गंगा, पर वो कभी ना होती दागी है। अब ये सबके पाप और काट रही वो गंगा, और वो कभी ना होती दागी है। अरे वो कभी, फिर से चाहूंगा तालियां, अरे कभी ना होती दागी है। और भागी रथ का रथ जहां जावे, अरे भागी रथ का रथ जहां जावे, गंगा व रथ के पीछे भागी। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा,
अरे चांद तारों में नजर आए। गाना बजाना अलग होता है और चिल्लाना अलग होता है। एक दूजे के दिल में अपना घर बनाना है, तेरी खातिर सभी हदों से गुजर जाना है। ऐसे मेरे दिल पर रहेगा सनम पहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। उधर से रावण कह रहा था, यहां पर एक से एक विद्वान मौजूद है। उधर से रावण कह रहा था, पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी। अब यहां पर अखाड़े में कोई है नहीं, वरना मैं कहता कि गाना बजाना ऐसा करो कि लोगों की समझ में एक एक शब्द आ जाए, एक एक शब्द लोगों की समझ में आ जाए, ऐसा गाना बजाना करो। उधर से कह रहा था रावण, बाण 31 चलाने की जरूरत क्या थी, पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी। तो प्रभु राम कहने लगे, ना तो बाण चलते, ना युद्ध होता, और ना वो तेरी सोने की लंका काली होती। रावण, गलती तेरी है। गलती क्या है तेरी? तुझे साधु बन कर आने की जरूरत क्या थी, ये साधु बन कर आने की जरूरत क्या थी, मामा को मृग बनाने की जरूरत क्या थी, ये साधु बन कर आने की जरूरत क्या थी। ये तो युद्ध ही नहीं होता, गलती तेरी है। और नौबत मासा सबका अलग अलग तरीका है। इनकी सोच ये है कि जब भागवत रह रही है रसियाबाजी ले रही है। रसियाबाजी का मतलब ये ना है कि जब ब्लू फिल्म दिखाओ, मंच पे कलम चलाओ, लोगों की समझ में बात आए, जनता सुनेगी और जनता ताली भी बजाएगी। तुझे साधु बन कर आने की जरूरत क्या थी, सोने का मृग, आवाज आनी चाहिए आपकी, सोने का मृग बनाने की जरूरत क्या बात है। और अगली लाइन पर तालियां नहीं रोक पाओगे आप लोग। सबसे बड़ी गलती तूने ये कर दी, तुझे साधु बन कर और आने की जरूरत क्या थी, मेरी कुटिया से सीता चुराने की जरूरत क्या थी, तुझे साधु बन कर आने की जरूरत क्या थी, साधु बन कर। हाँ भैया, जवाब से आप लोग संतुष्ट हो? आनंद आ रहा नहीं आ रहा है? धन्यवाद। अब अगली पंक्ति आई। रावण कह रहा था लक्ष्मण जी से कि तुम्हारी बेटी है सुलोचना, यहां पर सेट कर दो कैमरा मेरी तरफ और बैठ जाओ, क्योंकि मैं यहां से इधर उधर नहीं जाने वाला, मैं यहीं पर रहूंगा, परमानेंट जगह। सभी तक बहना मगल्लो में जा कोने को, कैमरा यहां सेट कर दो, और ऐसे सेट करना कि ऊपर तक मैं खड़ा भी हो जाऊं तो आता रहे, तो बैठ जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली पंक्ति थी कि तुम्हारी बेटी है लक्ष्मण जी सुलोचना, और तुमने मेघनाथ को मार के बेटी को विधवा क्यों बना दिया, बेटी को विधवा बनाने की जरूरत क्या थी। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मेरे इसको विधवा क्यों बनाया, उसका भी कारण है। मेरी मर्जी बिन
इसके संग भाग आई थी, शेष नाग लक्ष्मण की इसने नाक कटवाई थी। हो मेरी मर्जी बिन ये तो संग भाग आई थी, शेष नाग लक्ष्मण की इसने नाक कटवाई थी। बढ़िया जवाब पर भैया जी की तरफ से 100 रुपए आए हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। क्या बात है, हमारा द्वारा। हो मेरी मर्जी बिन इसके संग भाग आई थी, शेष नाग लक्ष्मण की इसने नाक कटवाई थी। इसीलिए से विधवा मैं पिता हूं उसका, लक्ष्मण जी शेषनाग थे और उनकी आंसुओं से दो पुत्री पैदा हुई थी, एक सुनैना एक सुलोचना। सुलोचना बिना लक्ष्मण की मर्जी के और मेघनाथ के संग भाग कर आई, इसी बात का अपमान लिया। और लक्ष्मण ने कहा, दुश्मन के संग भाग आने की जरूरत क्या थी, और बाप की नाक कटवाने की जरूरत क्या थी, तुझे कुटिया से सीधा चुराने की जरूरत क्या थी, कुटिया से सीधा चुराने की। और नौतमा साहब ये बात आगे भी बढ़ती है, रावण ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी तुम शंकर हो, रुद्र अवतार हो, और ये सोने की लंका तुमने ही तो मुझे दान में दी और तुमने ही इसमें आग लगा दी। हनुमान जी शिव हैं, रुद्र अवतार हैं, और तुमने ही मुझे लंका दान में दी और तुमने आग लगा दी। तो हनुमान जी ने कहा, आग मैंने अपनी मर्जी से थोड़ी लगाई है? मैं तो एक दूत बन के तेरी सभा में आया था, पर राजा का तूने फर्ज वहां पर नहीं निभाया था। पूछ में दूत के साथ ऐसा नहीं करते, तूने वैसा किया, मेरी पूछ में आग लगाने की जरूरत क्या थी, अगर तू पूछ में आग नहीं लगाता तो मैं लंका में नहीं लगाता। क्या बात, पूछ में आग लगाने की जरूरत क्या थी, मेरी कुटिया से सीता चुराने की जरूरत क्या थी, कुटिया से सीता चुराने की। अरे छंद काट एक गीत लड़ायो, अब आगे जाए पढ़ियों जी, और आगे जो छंद पढ़ाए ना है पाओ तो नाते भाग सिद्धों से। टूटा फूटा है मुझ पे तुम्हारी बहर का जवाब है मेरी तरफ से, राजेंद्र भैया खैर हमारी औकात नहीं है जो हम आटे वालों की कलम पे अपनी कलम रखें, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि जवाब हो जाए। लगामा सब उनसी वारे थे मिलाई दोनों ने।
अरे गुजरिया परेशाने की। उधर से गा रहे थे, अरे अब के यूपी में खिलेगो कमल को फूल, अरे सरकार बनेगी बाबा की। मैं उचारों के बन जाए, तुम कह रहे हो सपा का जवाब देना। हाँ सपा का ही है, आप मान लेना कि सपा का ही जवाब दे रहा हूं मैं। आप चाहे ये मान लेना कि मैं लोकदल का जवाब दे रहा हूं, इतना मान लेना कि मैं बीजेपी का नहीं दे रहा हूं बस। चलो बीजेपी को प्रचार करवे तुम आए तो हो यहां। राजेंद्र भैया जवाब दे कैसे रहा हूं, एक भी बीजेपी के नेता की बुराई नहीं करूंगा, ना मोदी जी की ना योगी जी की। अरे मेरी तो चलती क्या है, जो विपक्ष के नेता होते हैं वो भी सामने वाले का नाम लेते हैं तो डायरेक्ट नहीं लेते, माननीय लगा करके नाम लेते हैं। अगला अखिलेश यादव जी कहीं पर आदित्यनाथ योगी का नाम लेंगे तो माननीय योगी जी कहेंगे, वो कबू ना कह सकते, वो बाबा जी ना कह सकते, वो अगर बाबा जी कह दी तो मान हानि का केस लग जाएगा उन पर, सम्मान से नाम लिया जाता है। तुम्हारी औकात है इतनी, सरकार बनेगी बाबा की। भाई वो नेता तो लेते नहीं है नाम सीधा, और तुम सीधी सरकार बनेगी बाबा की। बहुत बढ़िया, हम उच्चारे के बन जाए, पर अगर जवाब सही हो तो तालियां देना आप लोग। देखो ये क्या रखा है यहाँ पे, हाँ सरकार जब बनेगी तब बनेगी, पर अभी तो, अरे सबकी किस्मत तो है गई है डिब्बा में बंद, ओ हो सबकी किस्मत तो और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे डीके स्टूडियो वाले जो कि जट्टारी से पधारे हैं उनकी तरफ से आया है। हाँ बेटा सबकी किस्मत, ओ सबकी किस्मत तो है गई है डिब्बा में बंद। हाँ भैया जवाब कौन को है, विपक्ष को ये बुराई तो ना गाऊगी, हम चाह रहे कि जो खुल जाए तो सरकार बाबा की बन जाए चाहे बेशक, पर अभी तो अभी का झूठ तो ना है। अरे अरे सबकी किस्मत तो है गई है डिब्बा में बंद, अरे 10 तारीख को किस्मत खोले जा, किस्मत तो है गई है डिब्बा में बंद, अरे 10 तारीख को किस्मत खोले। कह रहे होगा 360 रुपए बीजेपी, बीजेपी के नेता भी अच्छी तरह जानते हैं कि पूरी टोटल सीटें बीजेपी की नहीं आ सकती हैं, और सपा वाले भी अच्छी तरह जानते हैं कि टोटल सीटें सपा की भी नहीं आ सकती हैं, कहीं पर कुछ सीटें बीजेपी की आएंगी तो कुछ सपा की आएंगी, और हमारे मथुरा क्षेत्र में कुछ सीटें लोकदल की भी आएंगी, सीटें सबकी आएंगी, थोड़ी थोड़ी आएंगी जरूर। अरे कहीं सपा कहीं बीजेपी, सबका सम्मान किया है अपने अपने मत से, देखो सबने मतदान, यो सबने मतदान किया है भैया, ये मतदान किया है। अब सुने मैं उच्चारों की सरकार बाबा की बन जाए, असली बात है मतदान नाम क्यों है उसका, मतदान यानी काउ की मत मानो, काउ की मानो मत, अपने मत से दान करो वही मतदान है। तू बेशक मैं तो मायावती वोट दे, भाई मेरी मत मेरा मनाव भाई वोट देंगे हम तो, अपनी अपनी मत से देखे सबने मतदान किया है, पर अपनी अपनी मत से सबने मतदान किया है, पर एरे बोई जीते गो चाकू जनता करेगी पसंद, ओ हे भाई जीतेगो, अरे भाई जीतेगो मेरे भैया, रे भाई जीतेगो, और तेरे जनता करे भैया अंतरे, तुम पे ना मारो ब्लू फिल्म पे, हम पे ना मारो कलम पे, अंतरे
एरे के बोई जीते गो जाकू जनता करेगी पसंद। दसकु माँ एक कुन्या न्यू वही जीते गो जाकू जनता पसंद कर लेगी। एरे बोई जीते गो जाकू जनता करेगी पसंद। दस तारीख को किस्मत खोले जाएगी। तालियां जितने लोग बैठे हैं। अरे बंदक किस्मत पड़ी डिब्बा में और अपनी जिद पे अड़ेगी। और देख मैं बोलूंगा बाद में जनता पहली किल्ला भाई। अरे अपनी जिद पे अड़ेगी, अपनी जिद पे अड़ेगी। भूलन की ये माला न जाने कौन के गले पड़ेगी, कौन के गले पड़ेगी। ओ कौन के गले पड़ेगी रे भैया, कौन के गले पड़ेगी। भूलन की ये माला जाने कौन के गले पड़ेगी। नौतमा साहब, नौतमा साहब तो काफिया कैसे घटाया है। बाप बेटा भैया बोट डारे सास बहु नंद, बोट डारे सास बहु नंद। दस तारीख को किस्मत